जुलाई 2022 का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट का है, 30 क्वेश्चन है इंग्लिश के, डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा ब्रीफ में, सिर्फ आंसर की है इसकी डिस्कस की गई। फर्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी पूछा गया है सिनोनिमस ऑफ ल्यूमिनस, है ना, बैटरी भी होती है, शाइनिंग। राइट आंसर इज द सिनोनिमस ऑफ ह्यूमिलिटी, निम्रता, मॉडेस्टी। राइट आंसर, इसके डिस्ट्रक्टर देख के पता चलता है कि वो इनसे मीनिंग नहीं मिलते। अच्छा, ओपोजिट पूछा गया है एनॉर्मस, एडिक्वेट राइट आंसर नहीं है, टिनी राइट आंसर नहीं है, ह्यूज का उल्टा है गाइनेटिक, डी इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज ए ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड, शिप्स नहीं है, शिप्स हम रहे हैं, तो इसका आंसर हम देख ही लेते हैं यहां पर नेट पर, ये है ग्रुप ऑफ शिप्स नोन एज फ्लीट, राइट आंसर इज फ्लीट। नेक्स्ट इज मिलिट्री फोर्स माउंटेड ऑन हॉर्स बैक इज कॉल्ड, अब आपको क्या याद करना चाहिए, हॉर्स के बैक पर बैठे हुए जो सैनिक है उनको याद कर सकते हैं, ये मैंने निकाल रखा है, ये देख लीजिए, ये रहे, है ना, इसका आंसर भी कैवलरी साफ है, ये अच्छी इमेज है, ये देख सकते हो कैवलरी, आगे याद रखने के लिए कैवलरी इज सी इज राइट आंसर। द एक्सप्रेशन लेंड मी योर ईयर्स, अब मैंने क्या रूल बताया था, नियम बताया था, बेसिक्स बताए थे कि जो वर्ड्स हैं पंजाबी में बताया था ना, ये पंजाबी के वीडियो जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स की पावर्स होती हैं तीन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पावर, जो फर्स्ट पावर होती है वो फिजिकल लिटरेरी मीनिंग नैरो मीनिंग वाले होते हैं, और जो सेकंड मीनिंग है वो जो वर्ड के सेकेंडरी गुण होते हैं, जो गुण को हम फिजिकल से आगे पर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दी थी कि शेर जो है, जब हम शेर बोलते हैं किसी लिए तो शेर का मतलब है एक एनिमल जिसके पूंछ है, जो खूंखार है, जो जंगल में रहता है, तो वो फिजिकल मीनिंग हो गए। तो जब हम कहते हैं कि मेरा बेटा शेर है ना, यही एग्जाम्पल दी थी ना, तो सेकेंड उसका मीनिंग है कि शेर का एक गुण है कि डरता नहीं है, निडर है, बहादुर है, तो सेकेंड मीनिंग बहादुर। इडियम्स और फ्रेजेस जो हैं उस पर सेकेंड मीनिंग अप्लाई होते हैं, ये फंडामेंटल आप अप्लाई करके जान सकते हो कि राइट आंसर कौन सा है। वापस चलते हैं, थोड़ा छोटा कर ले, ज्यादा हो, अब ये देखना है फिजिकल मीनिंग क्या है, वो फर्स्ट होगा और उसको फिजिकल मीनिंग वाले को, नैरो मीनिंग वाले को डिलीट कर देना है। अब यहां फिजिकल क्या है, ईयर्स है, कट ऑफ समवन ईयर्स फिजिकल मीनिंग है, डिलीट कर दिया। राइटिंग पर्सनल लेटर नैरो है, डिलीट कर दिया। लेंड मी सम मनी नैरो और फिजिकल मीनिंग है, तो लिसन मी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन टू फाइट टूथ एंड नेल मीन्स, वैसे ही अप्लाई करना है, फिजिकल मीनिंग वाले डिलीट कर देने हैं, टूथ एंड नेल्स है ना, टू फाइट विद बेयर हैंड्स नैरो एंड फिजिकल मीनिंग, पेंट वन्स नेल्स वेरी रॉन्ग मीनिंगलेस फिजिकल मीनिंग, टू बाइट समवन लाइक तो ऐसे भी नहीं है, तो राइट आंसर है फाइट विद ऑल स्ट्रेंथ, ऑल स्ट्रेंथ अंडरलाइन इसको किया है, मेन फोकस है कि आपने पूरे सोर्सेज रिसोर्सेज को किसी चीज को अचीव करने के लिए लगा दिया, वो फाइट है ये, ना जिंदगी की फाइट जो है, ये नहीं है कि ये वाली फिजिकल फाइट है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन ए फॉर क्राई मीन, इसका डिक्शनरी मीनिंग साफ है, वेरी डिफरेंट नॉट सिमिलर है ना, फार फ्रॉम, तो फिजिकल मीनिंग इसके क्या है, कलर चेंज कर ले, द वॉल्फ विसल मीनिंगलेस है, रेलिवेंट नहीं है, द वॉइस ऑफ सायरन नहीं, द फ्यूचर इन्विटेशन नहीं, ये लग रहे हैं डिस्टेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, हाँ मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, जो एक्सपर्ट से डिस्कस किए हैं वो भी बताऊंगा, गलती है तो सॉरी पहले ही मांगता हूं। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन टर्न टू द टेबल, फिजिकल मीनिंग देखने अप्लाई करके टर्न टू द टेबल अप्लाई होते हैं, टर्न टू द टेबल को मूव कर देना, चेंज द टेबल कवर, वेरी नैरो मीनिंग, डबल क्रॉस
चेंज फर्नीचर नैरो मीनिंग, फिजिकल मीनिंग है ना, स्कीम ऑफ रूम नैरो मीनिंग है नहीं, ओवरटर्न द सिचुएशन ऑफ डिसएडवांटेज टू वन्स फेवर। अब ये देखिए लॉन्ग टेल भी बन गया ना, एक मैंने बताया था कि लॉन्ग टेल वाले प्रोबेबिलिटी उनकी ज्यादा ठीक होती है, सही होने की प्रोबेबिलिटी 70-80% होती है। तो ये क्या है कि टेबल को सिचुएशन से है ना, टर्न को जो है फेवर के, ये लग रहे हैं कि सेकेंडरी मीनिंग जो वर्ड के सेकेंड मीनिंग थे। अभिधा लक्षणा शक्ति जो होती है, ये लक्षणा शक्ति क्या है, इसलिए राइट आंसर यही है, टू ले द टेबल ऑन डेर फिजिकल मीनिंग है, रॉन्ग आंसर। द एक्सप्रेशन टू पोर ऑयल इनटू ट्रबल्ड वाटर, अब इस देखिए फिजिकल मीनिंग क्या है, देखिए टू को फिजिकल मीनिंग बना लिया, रॉन्ग आंसर। टू इंस्टिगेट नेगेटिव मीनिंग इसके, रॉन्ग आंसर। टू रिप्लाई र्यूडली नेगेटिव मीनिंग, रॉन्ग आंसर है ना। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम कैसे है कि डिसएग्रीमेंट है, कोई डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करना, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दो पर्सन है, दो पार्टीज है, उनको पैसिफाई करना है ना, सी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू बी। नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ दिस कंट्री है ना, पीपल को प्लूरल मान के चलना है, और आर एम आई के साथ है, वाज पास्ट है, ये नहीं लग रहा, और राइट आंसर आर है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट इज आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर लास्ट 2 आवर, बिल्कुल ठीक, जब स्पेसिफिक टाइम है तो तब सेंस लगता है, लेकिन ये टाइम पीरियड है, फॉर लगेगा। ये एक्सपर्ट से भी डिस्कस किया था, उन्होंने भी फॉर बताया है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज They have traveled across the world in search of true healer. अब have they है तो has तो लगेगा नहीं, ये गलत हो गया, has लगेगा नहीं, नहीं लगेगा है ना, have और have been के बीच में है, अगर ये passive होता तो वो लगता है ना, ये active है, have ही लगेगा, right answer is C. My mother and my aunt, ये काफी discuss करना पड़ा है expert से, एक्सपर्ट्स कौन है जो आईएलएस की तैयारी करवाते हैं, प्रोफेसर हैं, इंग्लिश के टीच करते हैं है ना, तो टीचर हैं स्कूल के, काफी देर से एक्सपीरियंस काफी है, उनसे मैंने डिस्कस किया है। माय मदर एक और माय आंट एक, तो एक ये दो जने हो गए ना, तो दो जनों के लिए डज नहीं लगता, प्लूरल है, डू नॉट लगेगा, ये उन्होंने बताया मुझे, डू नॉट ए इज राइट आंसर। यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर जो डू नॉट लगेगा उसका क्या है कि ये एंड है, एंड इन दोनों को मिला देता है, अगर आप फॉर एग्जांपल लिखते हैं ए मैन विद वर्ड्स या कुछ और ना, अब आगे जो सेंटेंस है यहां पर ए मैन पर फोकस है, तो यहां सिंगुलर यूज हो रहा है, बेशक ये वर्ड्स प्लूरल है, तो ये जो एक्सपर्ट ने जैसे मुझे एक्सप्लेन किया, तो यहां पर विद भी नहीं है, यहां एंड है, दैट इज व्हाई डू नॉट इज राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है, ये भी क्रिटिकल था, डैश यू टेक कैब कॉमा यू वुडंट बी एबल टू रीच इन टाइम, अब रूल क्या है, देखिए दो जो नहीं आने डिलीट कर दिए, डिलीट करिए, 50% संभावना आपकी प्लस होने की बढ़ गई, एलिमिनेशन वाला मेथड अपनाया। टाइम जब होता है, जब टाइम को इंडिकेट करते हैं तो अंटिल आता है, लेकिन यहां पहला जो फ्रेज है ये वाला, ये कंडीशन, कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, और जब कंडीशन को इंडिकेट करते हैं तो अनलेस आता है, जितने एक्सपर्ट से बात की है मैंने, उन्होंने अनलेस सजेस्ट किया है, सी इज राइट आंसर, अंटिल तब आना था अगर यहां टाइम की बात की होती है, ठीक, तो इस कंडीशन के लिए अंटिल नहीं, अनलेस ही आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट इज डैश हर बैड थॉट, उसका गला खराब होने के बावजूद, अब आप हिंदी या पंजाबी में करके भी देख सकते हैं, कॉमा शी डिलीवर्ड ए स्पीच टू हर ऑडियंस, ठीक है, ये नहीं, दो फिट हो रहे, ये डिलीट हो रहे, 50% संभावना बढ़ गई, और अब है कि इंस्पाइट, इंस्पाइट के साथ हमेशा ही, वैसे इंस्पाइट होता है, ये नहीं होता, इंस्पाइट, ओके, इस ऑप्शन में ठीक लिखा है, लेकिन यहां इस ऑप्शन में ऑफ नहीं साथ लिखा,
अगर ऑफ लिखा होता तो इंस्पाइड ऑफ यहां आ जाना था। अब इसका जो सब्स्टिट्यूट है क्या है कि अगर ऑफ नहीं है इंस्पाइड का वही काम करता है डिस्पाइट, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, ये ऑफ के बिना है। तो यहां पर नेचुरली क्योंकि ऑफ जहां भी नहीं लिखा हो ना, इसको उड़ा दे ऑफ, ये जो फिल्म द ब्लैंक है, ब्लैंक छोड़ा गया है, इससे पहले उन्होंने भी ऑफ नहीं लिखा, दैट इज वाई इंस्पाइट वहां से नहीं उठाई गई। तो डिस्पाइट इज राइट आंसर, ऑफ नहीं है। डिस्पाइट हर बैड थॉट कॉमा शी डिलीवर्ड द स्पीच टू हर ऑडियंस, सी इज राइट आंसर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव बीन ए ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी कॉमा वन, शी टोल्ड मी दैट मी के अकॉर्डिंगली आई हो गया, ठीक हैड बीन ए ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर टू हर, तो डी इज राइट आंसर, शी ये नहीं आना, यू भी नहीं आना, ही कहां से देखे कितना मीनिंगलेस डिस्ट्रक्टर है। तो ये आसान बनाता है जब क्वेश्चन सेट करने वाले को डिस्ट्रक्टर नहीं बनाने आते, जब इंडिया को ये नहीं बनाने आएंगे तब तक अच्छी इवेल्युएशन नहीं होगी, ये पक्की बात है। दैट इज व्हाई मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन बनाने की काफी कई सालों से मैं क्वेश्चन बनाने की मुझे प्रैक्टिस है, इस पर टीच करता हूं कैसे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दैट इज वाई कि पोअर क्वेश्चन को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता हूं। जब आप पोअर क्वेश्चन को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हो देन आप पेपर सेट करके कमजोरी को पहचान के बिना या कम नॉलेज से ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड पायरेट विद वन हैंड कॉमा बंद, जो स्टोरी था उसका नरेटेड बन गया, साथ साथ में लर्न भी कर रहे। द कैप्टन नरेटेड दैट, नाउ दैट दिस का जब कन्वर्ट होता है तो दैट आएगा, दैट दैट दो बार, दैट वाज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड पायरेट विद वन हैंड कॉमा वन, यहां कॉमा ही लगाए हुए हैं, देखिए ये गलती रह जाती है, यहां पर दैट नहीं है, दिस का दिस नहीं रहना, ये मोस्टली गलती की है। द टेल नहीं आएगा, दीज तो आना ही नहीं है, डबल क्रॉस है, तो उसका सब्स्टिट्यूट बच रहा है दैट की जगह इट, इट लगा सकते हैं। सी जो एक्सपर्ट ने मुझे बताया है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज शी पिक्ड द आइस क्यूब्स विद द टंग्स वेरी केयरफुली, अब ये गेम किसकी थी कि द आइस क्यूब्स एस है, वाज लगा दिया ना, यहां गलती हो गई, यहां नेचुरली वाज है तो वर आना चाहिए, बी इज राइट आंसर यार, तो ये गलती की है, वाज के वर अच्छा शुड बी कैन बी तो दिखाई नहीं देता ना, दैट इज वाई बी इज मोस्ट और बेस्ट आंसर। द स्विमर डाइव्ड अंडर द पूल, ये भी काफी कैंडिडेट्स ने गलत किया है, अंडर द पूल और इनटू द पूल इनमें थी ना कंफ्यूजन। देखिए जब पोजीशन है तो ऑन आता है, इन आता है, ऑन इन जब आप पोजीशन की बात करते हो, द बॉल इज ऑन द टेबल, ओके द पर्सन इन इन द कार, जब मूवमेंट है, डाइव जो है, डाइव ये मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो जब मूवमेंट होती है तो इन टू ऑन टू टूवर्ड्स ये यूज होते हैं, यहां इन टू बेस्ट लग रहा है, यहां पर इन टू द स्विमर डाइव्ड इन टू द पूल, नेट पर भी चेक किया है यही आ रहा है, अंडर द पूल गलत होगा, नियर द पूल वेरी, तीन क्रॉस लगा दीजिए बेशक, है ना, ऑन द क्रॉस ये भी तीन क्रॉस लगा दीजिए, इन टू बेस्ट डी इज राइट आंसर हियर। द स्नेक स्लिथर अक्रॉस द रोड, मेरे ख्याल में ये आसान है, सभी को पता होगा, अक्रॉस द रोड इज राइट आंसर, विद भी नहीं बन रहा, विदाउट भी नहीं बन रहा, फॉर द रोड भी नहीं बन रहा, तीनों डिस्ट्रक्टर वेरी पुअर है, डबल क्रॉस कर रहा हूं, दैट इज माई राइट आंसर, ये सभी का ठीक होगा मेरे ख्याल में। माई मदर हैज गॉन फॉर हर वॉक मॉर्निंग वॉक, यस फॉर इज मच बेटर राइट आंसर, यहां पर इन टू नहीं है, इन की कोई इंडिकेशन नहीं है ना, एड तो आएगा नहीं, तो टूवर्ड्स हाँ मूवमेंट है टूवर्ड्स के लिए, लेकिन ओके फॉर को चूज कर रहे हैं यहां पर, ए राइट आंसर। एज नेक्स्ट इज द किंग ऑर्डर्ड हिम
टू बिल्ड ए कासल और फॉर बिल्डिंग ए कासल, ये है। अगर बिल्ड है तो टू, अगर बिल्डिंग होता वर्ड तो फॉर आ सकता था, है ना, फॉर यहां पर है, लेकिन यहां पर बिल्ड है, दैट इज वाई यहां पर टू आएगा। डी इज राइट आंसर। एट ऑर्डर्ड एट कस बाय कस, तो वेरी दूर की नहीं बनती। ही रोट ए ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट, विदाउट ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, अबाउट इज राइट आंसर। विद इन हिज ग्रैंड मदर, तो बिल्कुल देखिए क्रॉस हो रहा है इतने ज्यादा, बीनीथ भी क्रॉस है, विदाउट भी क्रॉस है। राइट आंसर इज अबाउट। शी हैज सीवियर पेन इन, हाँ बिल्कुल सभी एक्सपर्ट ने यही कहा है, यहां पर इन आएगा, तो प्रेफर करते हैं बी, इन इज राइट आंसर। बाय शोल्डर बनी बात, विद शोल्डर इन टू शोल्डर, कोई मूवमेंट थोड़ी हो रही है, पीछे बात करके आए हैं, मूवमेंट नहीं है ना, दैट इज वाई इंटू भी नहीं आएगा। विद द शोल्डर थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इज बेटर इन इन जा रहा है। नेक्स्ट इज पैरा, पैरे की कंफ्यूजन काफी रही है, इसके बेसिक से समझ लीजिए पैरे का आंसर किसके बेस पर निकलना है, तो आप भी ठीक निकाल पाओगे। मैं श्योरिटी नहीं देता कि मेरे 100% ठीक होगे, पर कोशिश कर रहा हूं। द ह्यूमन स्पीशियस अकॉर्डिंग टू बेस्ट थ्योरी आई कैन फॉर्म ऑफ हिज कंपोज ऑफ टू डिस्टिंक्ट रेसेस, मैंने पहले से क्वेश्चन पढ़े हुए हैं इसलिए पहला इसको अंडरलाइन किया। तो पहला क्वेश्चन टू डिस्टिंक्ट क्लासेस का है, यहां रेसेस है, वहां वर्ड सिनोनिमस यूज कर लिया है ना, उसका समानार्थी क्लासेस, तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल ठीक है। अगले चार वाले प्रॉब्लम वाले हैं। द मैन हु बोरो, दो क्लासेस कौन सी है, नंबर एक, ये नंबर एक है, सर्कल कर दिया, एंड द मैन हु लेंड नंबर दो, ठीक। अब सेंट्रल आइडिया सारा इस थीम का यहां पर है। जब ये इंडिकेट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसको फॉर्मर और इसको लेटर बोलेंगे, ये बाद वाले पता नहीं हिंदी में कैसे लिखते हैं, गलती हो तो माफ करना, ये पहले वाले, पहले पता नहीं ये बिफोर वाले या ये पहले, ये बाद में, ये सेंट्रल आइडिया इसलिए बार बार ये बता रहा हूं। अच्छा, तो दोज टू ओरिजिनल डाइवर्सिटीज मे बी रिड्यूस टू ऑल इम्पर्टिनेंट क्लासिफिकेशन ऑफ गॉथिक सिलेटिक ट्राइब्स, व्हाइट मैन, ब्लैक मैन एंड रेड मैन। तो ये और सब कैटेगरीज हैं, लेकिन बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, पहली और दूसरी, दो बताई हैं उन्होंने। ऑल द डिवेलर्स निवासी अपॉन अर्थ, जो है पार्थेनियस, मेडीज, एलिमेटिस, फ्लॉक, हिथर एंड डू नेचुरली फॉल विद इन वन और द अदर ऑफ दीज प्राइमरी डिस्टिंक्शंस। ये प्राइमरी डिस्टिंक्शन कौन सी, फिर द मैन हु बोरो, द मैन हु लैंड, ये बोरो और ये लैंड, बोरो पहले वाले, लैंड दूसरे वाले। अच्छा, द इनफाइनेट हिथर एंड डू नेचुरली, ओके सॉरी, द इनफाइनेट सुपीरियरिटी ऑफ फॉर्मर, दिस इज द सेंट्रल आइडिया। फॉर्मर कौन है, ये वाले, ठीक, सुपीरियर किनको माना जा रहा है, बोरो वालों को ये याद रख लिया मैंने, है ना, बी फोर मैंने याद रख लिया, यहां पर बता रहा हूं, बी फोर बड़े वाले, सुपीरियर ऊंचे, बी फोर बड़े वाले। विच आई चूज डेजिग्नेट एज अ ग्रेट रेस, मतलब बोरो वालों को ऊपर रखा इन्होंने, इज डिसर्नेबल इन दियर फिगर पोर्ट एंड सर्टन इंस्टिंक्टिव सॉवरेंटी। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अब किन के बन गए, देख लो, द लेटर, लेटर कौन है, लैंड, लेटर लैंड, एल फोर लेटर, एल फोर लैंड, आर बॉर्न डीग्रेडेड, इनको डाउन माना है, ही शेल सर्व हिज ब्रेथन, देयर इज समथिंग इन द एयर ऑफ वन ऑफ दीज कास्ट लीन एंड सस्पिशियस। पंगा पड़ गया, अब सब कुछ रब हो जाएगा जब इसको काटूंगा, है ना, ये जा रहा हूं थोड़ा सा ऊपर, यहां पर देखिए बात किन की कर रही, द लेटर, है ना, द लेटर कौन थे, ये लैंड वाले, और डिग्रेडेड डाउन,
shall serve the brethren. There is something in the air of one of this caste lean and specious. इनकी बात हो गई, मेरे मुताबिक बोल रहा हूं, जो एक्सपर्ट के मुताबिक जो सबसे अधिक है ना, तो कंट्रास्टिंग विद ओपन ट्रस्टिंग जनरस मैनर ऑफ अदर, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किन्हीं के हो गए, ये हो गए बोरो वालों के। बोरो वालों को ऊपर माना है, जब ऊपर माना है तो नेचुरली ओपन ट्रस्टिंग जनरस मैनर है ना, ये हो गए। अब आंसर देखते हैं इनके कि बोरो वाले बड़े बड़े हैं। फर्स्ट जो आंसर है वो हमें क्लियर था कि फर्स्ट था अकॉर्डिंग टू ऑथर द बेस्ट थ्योरी ऑफ ह्यूमन स्पीशीज क्लासिफाई इनटू टू क्लासेस, ये वेरी क्लियर था, इसमें कोई शंका नहीं है, सभी का ठीक होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज, इसको छोटा करके सभी इकट्ठे समझ लें यहां पर, ओके, हु इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द फिगर ऑफ पोर्ट इंस्टिंक्टिव सॉवरेंटी, यहां राइट आंसर एक्सपर्ट ने भी यही माना है, सी मैन हु बोरो बड़े वाले। द स्टेटमेंट ही शैल सर्व ब्रदर अप्लाइज टू होम, ये लेटर वाले थे ना लैंड वाले, ये हो गए लैंड वाले कौन से, बी इज राइट आंसर इवन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। अच्छा, होम डज द ऑथर फेवर सुपीरियर ह्यूमन रेस, ये तो बड़े वाले जो उन्होंने रखा था, बी फॉर बड़े वाले कहा था ना, बड़े वाले, ये एसोसिएशन के प्रिंसिपल है कॉग्निटिविज्म के, कोई शब्द को जोड़ लो आप उसको अप्लाई करके, आपको दोबारा दोबारा नहीं वहां जाना पड़ा है ना, तो यहां पर ये आंसर आ गया मैन हू बोरो, यहां भी मैन हू बोरो है, यहां मैन हू लड़ गया। अच्छा, द मैन हू बोरो बड़े वाले आ गए, इज आर डिस्टिंग्विश्ड एज, एज कैसे, मेरे मुताबिक ओपन ट्रस्टिंग विद इन जनरस मैनर, ठीक है, इनमें कोई गलत होता है तो प्रोबेबिलिटी अलग है, मैंने एक्सपर्ट से भी जब पूछा था तो इस पर वेरी कर रहे थे, लगभग 70% जो है नहीं, ये जितने भी एक्सपर्ट से पूछा तो आधे आधे जो डिफरेंट बता रहे थे, तो मैंने लॉजिक जो सोचा है जब दो तीन एक्सपर्ट से डिस्कस किया, उन्होंने ये वाला बताया है, इसको राइट आंसर मान सकते हो, बाकी के आपके सामने है विद एक्सपर्ट्स व्यू, उनके अनुसार है। इसके अलावा कोई गलती रह गई हो तो वेरी सॉरी, सीख रहा हूँ, आपसे भी सीखूंगा। अगर कोई सुजेशन हो कि इस पर सर वीडियो बना दो, आपकी इच्छा हो, जब कोई कंसेप्ट क्लियर करना हो, पीटेट सीटेट जैसे रिलेटेड एजुकेशन के जो होते हैं आपके टीचर्स के होते हैं ना, तो कोई वीडियो चाहिए हो तो आप कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग कोई गलती हो तो आप कमेंट मेरे ख्याल में कर ही दोगे, मैं करेक्ट करूंगा। थैंक यू, लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।